हिंदी टाइम से ही ज्यादा तेज बारिश हो रही थी तो सोचा कुछ यम्मी सा मीठा सा बना ले। घर वालों की भी फरमाइश थी तो मैंने एक अंडा लिया और उसको तोड़ा। तो यहाँ पे मैंने अपने स्वाद के मुताबिक चीनी डाली, लेकिन आप लोग ज्यादा और कम डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून चीनी डाली और इसको बहुत ज्यादा पेंटा। आपको बहुत ज्यादा पेटना है कि फ्लफी सा और मीठा सा पेस्ट बना ले। फिर मैंने यहाँ पे एक ब्रेड लिया और उसको उसके अंदर डिप कर दिया। मैंने काफ़ी देर तक डिप कर लिया था, हैज़ माई वीडियो बनाई थी, लेकिन क्यों इसकी वजह से मेरा काफ़ी ज़्यादा अंडा अंदर जज्ब हो गया था, जो कि काम बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अगर आप लोगों को चाहिए कि आप लोग ज़्यादा टेस्टी बनाएं तो आप लोग अपने अंडे के अंदर ज़्यादा टाइम तक रख लें, वो सही ज़्यादा जज्ब कर लेगा, फिर वो सही बनाएगा। और अगर आप कंजूस हैं तो आप सी हटा लें। पे यहाँ पर मैंने देसी घी लिया और उसको फ्राई पैन में डाला और इसको भी डाल दिया। इसका पकने का टाइम इतना ज़्यादा नहीं है, हैज़ अगर तेज आंच पर है तो आप जैसे अंडा बनाते हैं जिस वक्त में, उसी वक्त में आप लोग बना लीजिए। मैंने ज़्यादा टाइम भी दिया था तो मेरा थोड़ा बहुत नीचे से ज़्यादा कुक हो गया था, लेकिन अच्छा लग रहा था। फिर मैंने पलट लिया था और मेरा ये जगह भी पक गई थी। हाँ, देख सक रहे हैं ये कितना ज़्यादा यम्मी लग रहा है, और ये वाकई मेरे सारे घर वालों को इतना पसंद आ गया था। आप लोग एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना। ये पे मैंने निकाल लिया था और मैंने अपने लिए एक दूसरा ही बना लिया था। और इसको भी पकने का टाइम हो गया तो मैंने इसको पलट लिया था, लेकिन ये इतना अच्छा कुक नहीं हुआ था, लेकिन फिर मैंने इसको सही से कुक कर लिया था। और ये देखिए कितना अच्छा लजीज दिख रहा है। तो इसका मैंने यहाँ पे कट कर लिया था। यहाँ पे मेरा ग्रीन भी आ गया था, उसको चाहिए था, वो आज बहुत भूखा है, वो जब भी मैं कुछ बनाती